गाइस, मेरा नाम है लोकेश राज और आपका मेरे चैनल बी टेक में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका रिजल्ट। जी हाँ, आप 10th 12th में कोई भी क्लास में हो, आज कल आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो मैं कल वीडियो तो मैं कल देने वाला था, मतलब तो मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे खुद का थोड़ा काम चल रहा, काम कर सकता था। सो आपको बताऊँगा आप लोग अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं एंड्रॉइड फ़ोन में, वो भी ऐप के जरिए। आपको ऑनलाइन साइट पर नहीं पता होगा, साइट खोले कभी कोई कभी सोच लिया, और ऑनलाइन जहाँ जाके अपने ऐप डाउनलोड करके उसमें से आप रिजल्ट देख लीजिए, 100% श्योर, मतलब उसी साइट पे आपको लग जाएगा। तो बस ये ऐप है, ये उसी हजार बोर्ड नहीं आपको मतलब इसको प्रोवाइड कराया है। सो चलो देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, इसमें आप अपना रिजल्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में, कैसे और क्या है। तो आप उसमें अपना रोल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है। तो आप रोल नंबर नाम कुछ डाल सकते हैं, नाम से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, रोल नंबर से आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। तो गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। अपने डेस्कटॉप पे अपने मतलब होम पे आते हैं, फ़ोन पे तो भी बता आपको। सो गाइस, लेट गेट स्टार्ट। चलिए बता दूँ आपको कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, वो ये ऐप है, आप देख सकते हैं बोर्ड रिजल्ट 2017। तो आपको करना क्या है, आप सीधे डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाके आपको बस सिंपली टाइप करना है बोर्ड BOAR बोर्ड रिजल्ट 2017, और जैसे टाइप करेंगे सबसे ऊपर यही नाम यही आ जाएगा। सो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं अगर हम ऐसे ये रिजल्ट दिखाता हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे अभी तक काफ़ी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, तो हम CBSE के देखते हैं, CBSE का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या दिखाता है हम ये देखते हैं। सो गाइस, ये बता रखा है कि 17 मार्च को पेपर स्टार्ट हुए, 10 अप्रैल को पेपर ख़त्म हुए हैं। तो क्या कह रहा है, अगर बोर्ड का रिजल्ट कब सेकंड पॉइंट देख लीजिए, ये 24 मई को एक्सपेक्टेड कह रहा है, मतलब 24 मई को आ सकता है, मतलब ये 24 मई को ही आएगा, जरूरी नहीं है, एक्सपेक्टेड बता रखा है कि आ सकता है। तो चेक रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो अभी एक नहीं आया तो क्लोज नहीं आया, मतलब नहीं दिखाएगा आपको। 10th का आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 10th का कब आएगा, 2 जून को। ओके, तो आप ऐसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आया है नहीं आया। अगर आ गया है, जैसे कि हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो हम कोई भी 12th का देखें, 10th का देखें, मैं अभी 12th का देखने वाला हूँ, तो 12th का देखेंगे तो चेक रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। हर रिजल्ट आ चुका है तो आप देख सकते हैं, ये आप कुछ ऐसे इंटरफेस से ज्वाइन हो जाएंगे। सो ये क्या कह रहा है, आपका यहाँ पे रोल नंबर और नेम, आपका रोल नंबर डाल दीजिए या ही आपका नेम, दोनों चीज़ में डालिए, रोल नंबर या नेम एक चीज़ डाल दीजिए। तो मान लो मैं किसी का भी नेम डाल देता हूँ, जैसे मैं लोकेश यादव डाल देता हूँ। ओके गाइज, सो लोकेश यादव मैं डाल दी, मेरा नाम लोकेश है, पर ये मैं अपना रिजल्ट दिखाऊँ किसी और का दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए, सो कोई भी रिजल्ट ले लेते हैं। चलिए तो हम ये पहले रिजल्ट ले लेते हैं, सबसे पहले वाला। सो इसमें दिखा देते हैं, मैं ये है कॉमर्स का बच्चा है, आप खुद देख सकते हैं। और कॉमर्स के बच्चे जो है, इसका परसेंटेज, इसके GPA बनी है 4.8 GPA बनी है। सो बच्चे का इसका तो काफ़ी रिजल्ट ख़राब है गाइज। सो आप ऐसे वीडियो अपने मतलब वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है, कैसे ऐप डाउनलोड करके क्या क्या करना है। चोर नाम डाल दीजिए आप, जैसे कुछ भी मैं डाल देता हूँ, राहुल डाल देता हूँ गाइज। सो यहाँ पे राहुल डाल के फाइंड रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका नाम होगा तो आपको रिजल्ट दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। सो राहुल, हम पहले इसको रिजल्ट पहले क्यों चेक कर लेते हैं, और ये देख लीजिए इसकी कितनी GPA बनी है, 6.0। सो इसकी काफ़ी ठीक बन गई है उससे पहले वाले से। सो गाइज, ऐसे आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। सो जय हिंद, वंदे मातरम, देखते रहिए, सीखते रहिए। और गाइज़।